जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे पोनियन सेल्वन नाम की फिल्म की, जिसे PS1 के नाम से भी जाना जाता है। ये साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और ये फिल्म अपने बजट की वजह से भी चर्चा में है। तो चलिए जानते हैं पोनियन सेल्वन का बजट और इस फिल्म की सच्ची कहानी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के बजट की। PS1 को भारत की दूसरी सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है। इसका बजट है 500 करोड़ रुपये। रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 को 570 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जो कि अब तक की भारत की सबसे महंगी फिल्म है। कि बाहुबली के दोनों पार्ट्स को बनाने में भी 450 करोड़ रुपए की लागत आई थी, यानी इस एक फिल्म का बजट दोनों बाहुबली मूवी से भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं क्या है पोनियन सेल्वन फिल्म की सच्ची कहानी। तो PS1 फिल्म तमिल क्लासिक नॉवल पोनियन सेल्वन पर बेस्ड है। इस नॉवल को लिखा था कल्की कृष्णमूर्ति ने। 1950 में पोनियन सेल्वन कल्की की वीकली मैगजीन कल्की में छपनी शुरू हुई। हर हफ्ते कहानी का एक हिस्सा मैगजीन में छपता। मई 1954 में जाकर मैगजीन में इसकी कहानी खत्म हुई। मैगजीन में कहानी पूरी होने के बाद 2210 पन्ने की इस स्टोरी को किताब के रूप में रिलीज किया गया। इसे तमिल लिटरेचर के सबसे क्लासिक नॉवेल में गिना जाता है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जाता है कि पोनियन सेल्वन की कहानी पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने कल्की खरीदनी शुरू कर दी थी। उस दौर में इस मैगजीन का सेल काउंट 70,000 के पार पहुंच गया था, जो कि तमिल भाषा में छपने वाली मैगजीन के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो भी तब जब भारत को आज़ाद हुए 5 साल भी नहीं हुए थे और आबादी का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित था। यही चीज़ इस कहानी को खास बनाती है। पोनियन सेल्वन नॉवेल 10वीं सदी में राज करने वाली चोल वंश के राज परिवार के बारे में है। इस नॉवेल का नाम है पोनियन सेल्वन, इसका मतलब हुआ पोनी का बेटा। कावेरी नदी को देश के कुछ हिस्सों में पोनी के नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 10वीं सदी में राज करने वाले चोल वंश के सम्राट सुंदर चोल से। लेकिन सम्राट सुंदर चोल से पहले हमें थोड़ा सा चोल वंश के इतिहास को भी जानना होगा, ताकि ये कहानी अच्छे से समझ आए। 9वीं सदी में दक्षिण भारत पल्लव, चेर और पांड्या राज्यों में बटा हुआ था। तब चोल वंश के विजयालय चोल पल्लवों के सामंत थे। उन्होंने पल्लवों और पांड्याओं के आपसी दुश्मनी और कमजोरी का फायदा उठाते हुए मूर्तियर पांड्या से तंजोर छीना और उसे अपनी राजधानी बनाकर चोल वंश की स्थापना की। उनके मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठे उनके बेटे आदित्य, आदित्य के बाद गद्दी पर बैठे उनके पुत्र परानतक। परानतक ने काफ़ी सारे युद्ध लड़कर अपने राज्य का विस्तार किया। फिर उनकी मृत्यु के बाद राजगद्दी संभाली उनके बड़े बेटे खंडरादित्य ने। कुछ ही सालों में उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद सिंहासन उनके बेटे उत्तमा को ना मिलकर उनके छोटे भाई अरिंजय के पास चला गया, क्योंकि उस वक्त उत्तम चोल बहुत छोटे थे। कुछ समय बाद अरिंजय की भी मृत्यु हो गई, लेकिन राजगद्दी उत्तमा के पास न जाते हुए अरिंजय के बेटे सुंदर चोल को मिली। अब कहानी वापस शुरू करते हैं। सम्राट सुंदर चोल की उम्र हो चली है, खराब स्वास्थ्य की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है कि चोल वंश का अगला सम्राट कौन होगा। सुंदर चोल के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा था आदित्य करिकालन, जिनका रोल विक्रम कर रहे हैं। आदित्य करिकालन जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही अपना पहला युद्ध लड़ा था। उस युद्ध में उन्होंने पांड्याओं के राजा वीर पांड्या का सरधड़ से अलग कर दिया था। दूसरा बेटा था अरुणमोली वर्मन, जिनका रोल जयम रवि कर रहे हैं। अरुणमोली वर्मन श्रीलंका में युद्ध लड़ने गए हुए थे। अरुणमोली को ही पोनियन सेल्वन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब वो 5 साल के थे तब माँ कावेरी ने उन्हें डूबने से बचाया था। बाद में इन्हें चोल वंश के महान सम्राट राजराजा चोल प्रथम के नाम से जाना गया। हम कहानी पर वापस आते हैं। सम्राट सुंदर की तीसरी संतान थी बिटिया कुंदवई, जिनका रोल त्रिशा कृष्णन कर रही है। कुंदवई अपने टाइम की दूसरी राजकुमारियों की तरह शादी करके घर बसाने में विश्वास नहीं रखती थी। वो चोल वंश के साम्राज्य का विस्तार करने को देखती थी। जब कुंदवई ने देखा कि पिता की गैरमौजूदगी में कई लोगों की नज़र उनकी गद्दी पर है, तो उन्होंने वंद्यादेवन को श्रीलंका भेजा। वंद्यादेवन का रोल कार्तिक कर रहे हैं। वंद्यादेवन को श्रीलंका इसीलिए भेजा गया था ताकि अरुणमोली को वापस बुलाया जा सके। ये वही वंद्यादेवन थे जो आगे चलकर चोल सेना के थलपति यानी सेनापति बने। वो अरुणमोली के साथ इस कहानी का पैरेलल लीड हीरो है। सम्राट सुंदर चोल की मृत्यु के बाद भी खंडरादित्य के बेटे यानी सम्राट सुंदर चोल के चचेरे भाई उत्तमा चोल के पास सिंहासन ना जाते हुए उनके बड़े बेटे आदित्य करिकालन को राजा बनाया गया। चोल वंश की पांड्यावंश समेत कई लोगों से पुरानी दुश्मनी थी। सब ताक में थे कि कब चोल परिवार कमजोर पड़े और वो हमला करे। ऐसे में पांड्यावंश के लोगों ने सम्राट आदित्य करिकालन को मारने का प्लान बनाया।
इसमें उनकी मदद की चोल राज परिवार का हिस्सा रहे नंदिनी ने। नंदिनी का रोल ऐश्वर्या राय बच्चन कर रही है। नंदिनी की एक दुखद पिछली कहानी है जिसकी वजह से वो चोल वंश को बर्बाद करना चाहती है। अगर नंदिनी की कहानी की बात करें तो नंदिनी की खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में होते थे, मगर उन्होंने बदले की खातिर चोल वंश के दूसरे सबसे ताकतवर आदमी से शादी की। उनके पति पेरिया चोल साम्राज्य के खजांची थे। नंदिनी ने चोल वंश को बर्बाद करने का फैसला इसीलिए लिया था क्योंकि इन लोगों ने उनके किसी करीबी की हत्या कर दी थी। पांड्यों ने जो प्लान बनाया था सम्राट आदित्य करिकारण को मारने का, वो उसमें सफल रहते हैं और सम्राट आदित्य करिकारण की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते उनके छोटे भाई अरुणमोली वर्मन सिंहासन के नए दावेदार बने। लेकिन उन्होंने अपने चाचा उत्तम चोल के लिए अपना दावा छोड़ दिया, जिसके चलते उत्तम चोल राजा बने। लेकिन उनकी भी कुछ सालों में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अरुणमोली वर्मन सिंहासन पर बैठे। अरुणमोली वर्मन ने अपने आप को राजराजा का नाम दिया, इसका मतलब होता है राजाओं के राजा, और इस तरीके से अरुणमोली वर्मन बन गए राजराजा चोल। अब बात करते हैं कैसे राजराजा चोल ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। राजराजा को सबसे पहली शुरुआती जीत मिली केरला के कांदलूर साले में। उन्होंने इसके बाद वेनाडु, कोलम और कंडलगुरो के राजाओं को हराया और अपने राज्य में शामिल किया। राजराजा ने पूर्वी और पश्चिमी चालुक्यों को हराकर आज के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अधिकार जमाया। उन्होंने पांड्या को हराकर पांड्याओं के राज्य को नया नाम दिया राजराजा मंडलम। राजराजा चोल ने श्रीलंका के महिंगा पंचम को हराया और श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरम को तबाह किया। उन्होंने इस नए श्रीलंका के राज्य को नाम दिया मुरमुरी चोल मंडलम। राजराजा चोल ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के साथ ही धर्म, संस्कृति और वास्तुकला को भी एक नया आयाम दिया। उन्होंने तंजौर में जिस शिव मंदिर यानी बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया, वह मूर्तिकला और वास्तुकला के लिहाज से आज भी एक उदाहरण है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है। इस मंदिर का निर्माण अपने आप में ही एक आर्किटेक्चर मिरेकल है। मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट के पत्थरों से किया गया, जबकि तंजौर के आसपास कोई पहाड़ या पर्वत मौजूद नहीं है। माना तो ये जाता है कि इन पत्थरों को हाथियों द्वारा बड़े दूर से लाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 216 फीट है। इसे पत्थरों को आपस में जोड़कर इंटरलॉक करके बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की सीमेंट जैसे पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया। मंदिर का सबसे विशेष भाग है मंदिर के ऊपर रखा गया पत्थर, जिसका वजन लगभग 80 टन है। लेकिन इतना बड़ा और भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया होगा, ये सवाल आज भी लोग पूछते हैं। माना यह जाता है कि एक बड़ी रैंप बनाई गई और हाथियों के झुंड से उस पत्थर को बांधकर ले जाया गया। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर आसपास की बस्तियों के केंद्र बन गए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी है। यहाँ पुरोहित, माली से लेकर संगीतकार और नर्तक तक को एक बेहतर जीवन मिल रहा था। इतना ही नहीं, उनके द्वारा बनवाए गए कांस्य प्रतिमाएं दुनिया की सबसे बेहतरीन कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। राजराजा चोल के पास एक बेहतरीन थल सेना और नौसेना भी थी, जिसके सबूत उन्होंने एक छोटे से राज्य को बड़े साम्राज्य में तब्दील किया। ऐसे राजाओं का इतिहास हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए। अगर शॉर्ट में बताएं तो पोनियन सेल्वन अरुणमोली वर्मन से सम्राट राजा चोल बनने का सफर बताती है, मगर यह सब ढेर सारे टर्न और ट्विस्ट के साथ होता है, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहता है। तो ये कहानी थी भारत की सबसे महंगी फिल्म PS1 की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।